बात करेंगे यहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट की डिसलोकेशन के बारे में। आपको पता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट क्या होता है? मान लो यहाँ पर स्टर्नम प्रेजेंट है, स्टर्नम के इस तरफ से क्लेविकल दोनों अटैच होती है, ये दोनों साइड की क्लेविकल है, राइट साइड के लेफ्ट साइड के, तो ये इन दोनों के जो बिटवीन का जो जॉइंट होता है इसको अपन कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि इसको ये क्लेविकल है और ये स्टर्नम है, इसलिए स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो इसका जो डिसलोकेशन है ना ये काफ़ी रेयर है, दिस इज़ अ रेयर इंजरी। तो इसमें क्या होता है, जिसका जो मीडियल एंड होता है, ये वाला मीडियल होगा ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इधर वाला जो एंड होगा वो होगा इसका लेटरल एंड। जो उसका मीडियल एंड है ना क्लेविकल का, वो डिसप्लेस्ड हो जाता है, वो डिसप्लेस्ड हो जाएगा, या तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा या फिर बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब वो आगे की तरफ निकल जाएगा या फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, इसे अपन कहते हैं डिसलोकेशन। मान लो ये कोई जॉइंट है, ये इस तरह से प्रेजेंट है, तो मान लो ये इस तरह से हो गया या फिर इधर से इधर हो गया, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, जिसको अपन कहते हैं डिसलोकेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के जो बिटवीन का जॉइंट है ना ये डिसलोकेट हो रहा है, इसमें जो क्लेविकल है फॉरवर्ड आ सकती है या फिर बैकवर्ड जा सकती है, तो यही होता है इसका डिसलोकेशन। फिर आती है इसके डायग्नोसिस की बात, अपन इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो अपन को पता है कि अपन जो बोन है उसका अपन डायग्नोस करते हैं एक्सरे से, क्योंकि एक्सरे बोन्स के लिए होता है, उसे पता लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो अपन एक्सरे है ना उससे उसके थ्रू अपन इसको इजीली देख नहीं पाते, इसलिए अपन इसका डायग्नोसिस कराते हैं इज क्लिनिकल देन रेडियोलॉजिकल। अपन इसका रेडियोलॉजिकल डायग्नोस कराते हैं, क्योंकि ये एक्सरे में अपन को डिफिकल्ट होता है इसको देखना। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात, उसका ट्रीटमेंट अपन कराएंगे रिडक्शन करके यूजिंग डायरेक्ट प्रेशर ओवर द डिसलोकेशन एंड। ये डिसलोकेशन एंड है ना, यहाँ पे जो क्लेविकल है वो डिसलोकेट हो गई है, तो अपन इसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन का मतलब होता है कि मान लो ये कोई एक बोन है तो ये ब्रेक हो गई है, उसका डिसलोकेशन हो गया है, तो अपन इस बोन को पकड़ के इसको वापस इसके अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि सीधा हो सके और इजीली जुड़ जाए। तो अपन इसका रिडक्शन कराएंगे डायरेक्ट प्रेशर से, क्योंकि बाहर से पकड़ के यहाँ पर कोई मतलब बोन नहीं है, यहाँ पर जॉइंट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पकड़ के अपन इसको वापस अपनी जगह पर सेट कर देंगे। तो ये होता है रिडक्शन का मतलब, डायरेक्ट प्रेशर लगा के। उसके बाद आता है रिडक्शन इज मेंटेन बाय द फिगर ऑफ एट। अब ये रिडक्शन तो कर दिया, लेकिन मान लो ये फिर से मूवमेंट करेगा कोई पर्सन जिसके अंदर डिसलोकेशन हुआ है, तो वापस निकल जाएगा अपनी जगह से, और अपनी जगह से निकल जाएगा तो फिर रिडक्शन करने का कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए अपन इस जो पेशेंट है उसको अपन फिगर ऑफ एट बैंडेज देते हैं। फिगर ऑफ एट बैंडेज इस तरह का होता है, जो कि अपन उसके लगा देते हैं ताकि वो जो मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा मूवमेंट ना हो इस एरिया पर, क्योंकि अपन इसको बैंडेज लगा दिया है। तो इस तरह से अपन इसको मेंटेन कर सकते हैं, इस रिडक्शन को जो अपन ने किया है या फिर डिसलोकेशन को। तो ये था अपना डिसलोकेशन ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये टॉपिक ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये बुक में था तो अपन ने पढ़ लिया, इसलिए अपन ने इसके नोट्स भी नहीं बनाया है। तो बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, जो क्लेविकल और स्टर्नम के जो बिटवीन का जो जॉइंट होता है ना वो डिसलोकेट हो जाता है, और अपन को इसको ट्रीट करने के लिए अपन इसका रिडक्शन कर देंगे और अपन उसको फिगर ऑफ एट बैंडेज दे देंगे। ये और ये डिसलोकेशन है, या तो आगे की तरफ आ जाएगी बोन या फिर पीछे की तरफ चली जाएगी, और अपन इसके लिए एक्सरे नहीं करवाएंगे, अपन इसके लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो यही होता है डिसलोकेशन ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट।